कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए। पूरी कायनात जुड़ जाएगी, बस संकल्प अटल चाहिए, बस संकल्प अटल चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मैं निर्भय सर आप सभी का जेबीएम एकेडमी में स्वागत करता हूँ। और आज के इस लेक्चर वीडियो में स्पेशली केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के रिगार्डिंग जितने सारे टॉपिक है, सभी टॉपिक को अच्छे तरीके से जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे और एक एक टॉपिक को कवर करने का कोशिश करेंगे। चलिए इसी शब्दों के साथ शुरुआत करते हैं, समझने का कोशिश करते हैं। और आप लोगों को एक और चीज बताना चाहता हूं कि मैंने स्पेशली किया क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का जो फुल चैप्टर हो स्पेशली मैंने इसको 3 भागों में डिवाइड किया है। स्पेशली ये पहला वीडियो है, पहला लेक्चर है और आपका 2 और वीडियो आएंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के रिगार्डिंग। और उसमें 3 वीडियो में स्पेशली केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए इसके रिगार्डिंग जो भी टॉपिक है उसको भी कवर करते हैं। और आज के इस लेक्चर वीडियो में अगर हम बात करिए, आपका जितने सारे चैप्टर, जो चैप्टर है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसमें आपको टोटली टॉपिक, जितने सारे टॉपिक आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, यही सब इसी टॉपिक के बारे में आपको पढ़ना है, जानना है। तो आज की इस लेक्चर वीडियो में हम स्पेशली आपको क्या क्या पढ़ाने वाले हैं, क्या क्या बताने वाले हैं, इस चीज में आपको बताऊंगा। केमिकल रिएक्शन जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन होते क्या है पहली चीज, दूसरा रिएक्टेंट क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, सॉरी केमिकल रिएक्शन, यहाँ पे रिएक्शन कर लीजिएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम लोग चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ प्रिपिटेट और इवोल्यूशन ऑफ गैस, इतने सारे टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। जो पार्ट सेकेंड वाली जो वीडियो आएगी उसमें हम स्पेशली जितने सारे केमिकल रिएक्शन के जो टाइप्स है सभी टाइप्स को हम कवर करेंगे। तो चलिए जितने सारे टॉपिक अभी आपको मैंने जो स्क्रीन पे जो टिक किया है इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। देखिए कहा गया है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो चेंज, हम लोग पहले चेंज को समझते हैं कि चेंज क्या होता है, उसके बाद हम चैप्टर में चलेंगे। तो चेंज का मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, इफ एनी ऑब्जेक्ट ट्रांसफर वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, कोई भी ऑब्जेक्ट जब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, चेंज कहा जाता है। तो यहाँ पे 2 तरह का चेंज के बारे में आपको पढ़ना है, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। और ऑलरेडी आप ये जो है पहले से पढ़ चुके होंगे और 6, 7, 8 से आप पढ़ते आ रहे होंगे। इसमें अगर हम बात करें फिजिकल चेंज के बारे में, तो फिजिकल चेंज जो होते हैं टेम्पोररी चेंज होते हैं और इसमें इजिली रिवर्सिबल, जो फिजिकल चेंज में होते हैं आसानी से हम उसको रिवर्स कर सकते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको नो न्यू प्रोडक्ट फॉर वेरिएशन, में किसी भी तरह का न्यू प्रोडक्ट नहीं बनता है। इसमें स्पेशली जो है स्टेट ही चेंज होता है। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात किया जाए तो आइस मेल्टिंग हो गया, मिक्सिंग सैंड विथ वाटर, सॉल्विंग शुगर इन वाटर, ये सब एक प्रकार के जो है आपका फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए केमिकल रिएक्शन मैंने अभी बताया था कि 2 तरह के चेंज होते हैं, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज को ही केमिकल रिएक्शन कहा जाता है, केमिकल चेंज को ही केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। अब हम लोग इसमें जो है स्पेशली जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन होते क्या है। इट इज द प्रोसेस बाई विच टू और मोर सब्सटेंस रिएक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज। कहने का मतलब हुआ कि ऐसा प्रोसेस जिसमें 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस आपस में रिएक्शन करके एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, और जो नया सब्सटेंस बनेगा उसकी प्रॉपर्टीज होगी, उसकी जो विशेषताएं होगी वो अलग होगी। तो इस तरह के प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है, दिस रिएक्शन आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज फॉर्मेड। कहने का मतलब ये हुआ कि इस रिएक्शन में न्यू सब्सटेंस न्यू प्रॉपर्टीज के साथ बनता है। अब इसमें होता क्या है, पहली चीज अगर हम बात करें होता क्या है, तो जो भी रिएक्टेंट के जो एटम्स होते हैं वो फिर से क्या होते हैं, रीआयरन होते हैं। जब रिएक्शन करेंगे तो फिर नॉर्मल सी बात है, रिएक्शन का
रिएक्टेंट का जो एटम्स होगा फिर से डीअरेंज होके और एक नया सब्सटेंस बनाएंगे, यानी फॉर्म वन और मोर डिफरेंट सब्सटेंस। ओल्ड बॉन्ड यानी ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन, यानी कहने का मतलब होता है कि जब रिएक्शन होगा तो ओल्ड बॉन्ड क्या होंगे, ब्रोक हो जाएगा, टूट जाएंगे और एक न्यू बॉन्ड्स क्रिएट होगा। रिएक्टेंट लूज देयर प्रॉपर्टी, रिएक्टेंट करते हैं कि अपने प्रॉपर्टीज को लूज कर देते हैं और एक और टू फॉर्म प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टीज, और फिर एक नए प्रॉपर्टीज प्रोडक्ट का एक नया प्रॉपर्टीज बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे के वाले टॉपिक को समझने का कोशिश करते हैं। देखिए अगर हम बात किया जाए तो यहां पे मैंने आपको जितने सारे ये जो वाला पॉइंट है मैंने आपको ये पॉइंट तो समझा ही दिया। अगला पॉइंट है बेटा कि अगर हम बात करें केमिकल रिएक्शन इज ऑल्सो, केमिकल रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड केमिकल चेंज। मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बताया था कि जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उसको केमिकल चेंज के नाम से भी जाना जाता है। रिएक्टेंट द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करते हैं, कोई भी सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करते हैं भाग लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। जो रिजल्ट आता है केमिकल रिएक्शन का उसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो मैग्नेशियम और ऑक्सीजन, मैग्नेशियम और ऑक्सीजन दो अलग अलग प्रकार के सब्सटेंस है और ये जब केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है ये रिएक्टेंट हुआ। अब ये जब दोनों आपस में जब रिएक्शन किए तो रिजल्ट क्या आया आपका, मैग्नेशियम ऑक्साइड। तो जो मैग्नेशियम ऑक्साइड, तो मैग्नेशियम ऑक्साइड क्या हुआ आपका, प्रोडक्ट हुआ। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो केमिकल रिएक्शन का जो रिजल्ट होता है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। चलिए अब हम लोग जो है ना स्पेशली कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में समझने का कोशिश करते हैं कि केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स होते क्या है। यहाँ पे देखिए स्पेशली एक डायग्राम है, इस डायग्राम को आप सभी नोट कर लीजिएगा कि केमिकल रिएक्शन के दो टर्म होते हैं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट आपका ये टाइप्स हो गया जो हम लोग पढ़ेंगे स्पेशली, और आपका ये कैरेक्टरिस्टिक्स। ये कैरेक्टरिस्टिक्स में जितने सारे पॉइंट आपको जो दिखाई दे रहा है ये सभी टॉपिक अभी हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। चलिए वन बाय वन कवर करते हैं। इवैल्यूएशन ऑफ गैस, कमाल की चीजें बेटा। इवैल्यूएशन ऑफ गैस, अगर हम बात करें इवैल्यूएशन ऑफ गैस के बारे में तो इवैल्यूएशन ऑफ गैस का मतलब हुआ कि जब केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन होता होगा तो उसमें गैस बनेगा। अब गैस कब बनेगा, जब उसमें कोई एक रिएक्टेंट जो होगा, कोई भी एक रिएक्टेंट जो होगा वो या तो लिक्विड हो या तो सोल्यूशन के फॉर्म में हो। अगर कोई एक रिएक्टेंट लिक्विड या सोल्यूशन के फॉर्म में नहीं होगा तो किसी भी तरह का गैस नहीं बनेगा। यानी कंडीशन इसमें है कि गैस में इवॉल्व ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन इफ वन ऑफ द रिएक्टेंट इज ए लिक्विड या सोल्यूशन फॉर्म। कंडीशन ये है कि केमिकल रिएक्शन में गैस कब बनेगा, जब कोई एक रिएक्टेंट जो है लिक्विड या सोल्यूशन के फॉर्म में हो। आपको पता कैसे चलेगा कि कोई किसी भी केमिकल रिएक्शन में गैस कैसे निकल रहा है, तो बबल्स के थ्रू आपको पता चलेगा, याद रखिएगा बबलिंग के थ्रू आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे दो रिएक्शन दिखाया गया है कि जब कैल्शियम कार्बोनेट जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम क्लोराइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिलेगा। जिंक जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे आपका जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो यहाँ पे स्पेशली ये इवोल्यूशन ऑफ गैस के रिगार्डिंग टॉपिक थे। आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। रास्ता कहाँ खत्म होते हैं, रास्ता कहाँ खत्म होते हैं जिंदगी के इस सफर में, रास्ते कहाँ खत्म होते हैं जिंदगी के इस सफर में, मंजिल तो वही है जहां ख्वाहिशें थम जाए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि घर पे पढ़ते रहिए, आग लगाते रहिए, मेहनत जबरदस्त तरीके से कीजिए, कहीं भी किसी तरह का कमी ना रहे। तो हमने ऑलरेडी पहला कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लिया इवोल्यूशन ऑफ गैस, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है चेंज ऑफ कलर, कमाल की चीजें हैं। चेंज ऑफ कलर कहने का मतलब ये हुआ कि जब केमिकल रिएक्शन होगा तो इसमें कलर का भी चेंजिंग हो सकता है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो वन ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन मे हैव डिफरेंट कलर देन दैट ऑफ द रिएक्टेंट। यानी कहने का मतलब हुआ कि जब आपके पास जो भी रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है तो इसमें कलर की चेंजिंग हो सकती है जब केमिकल रिएक्शन होगा तब। अब जैसे यहाँ पे देखिए व्हेन व्हाइट कलर कॉपर कार्बोनेट इज हीट स्ट्रॉन्गली, जब हम करते क्या है कि जब ये ग्रीन कलर का स्पेशली हमारा जो है कॉपर कार्बोनेट है, जब इसको हम काफी बड़े अमाउंट में क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो हीट करने के बाद हमारा क्या बनता है,
ऑक्साइड जो बनता है स्पेशली ब्लैक कलर का हो जाता है, और आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो गया, कलर चेंज हो गया। तो कलर जब चेंज हो गया तो नॉर्मल सी बात है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर हो गया ये। अब आगे बढ़ते हैं, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इसको समझने की कोशिश करते हैं, चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट का मतलब ये हुआ कि जब केमिकल रिएक्शन होगा तो केमिकल रिएक्शन के कारण, केमिकल रिएक्शन जब होगा तो रिएक्टेंट का प्रोडक्ट का जो है स्टेट में चेंजिंग हो सकती है। जैसे अब देखिए हमारे पास वाटर है, ठीक है, वाटर जो है लिक्विड के फॉर्म में, और जैसे मैंने इसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है ना फ्लो किया, तो ये हमारा जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ना गैस के टर्म में कन्वर्ट हो गया। तो कहने का मतलब ये हुआ, यही पॉइंट यहाँ पे समझाने का कोशिश किया जा रहा है कि जब इलेक्ट्रिक करंट जो है वाटर में पास किया जा रहा है तो इट गिव्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस स्पेशली ये प्रोड्यूस करता है। वाटर इज ए लिक्विड बट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर गैस, यानी वाटर जो था लिक्विड के फॉर्म में था लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है गैस के फॉर्म में था। तो यानी स्टेट क्या हो गया, चेंज हो गया केमिकल रिएक्शन में। तो ये थर्ड पॉइंट था आपका कैरेक्टरिस्टिक्स का। अब अगला हम फोर्थ पॉइंट भी कवर करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्रीसिपेट। प्रीसिपेट देखिए, प्रीसिपेट को मतलब समझने की कोशिश करते हैं कि प्रीसिपेट का मतलब होता क्या है। ए सॉलिड सब्सटेंस दैट हैज बीन सेपरेटेड फ्रॉम अ लिक्विड इन ए केमिकल प्रोसेस। कहने का मतलब ये हुआ कि जब हमारे पास कोई लिक्विड सॉल्यूशन है और लिक्विड सॉल्यूशन से जब आपको कोई सॉलिड सब्सटेंस प्राप्त होता है तो उसको हम बोलते हैं प्रिसिपेट, ठीक है ना। जैसे अगर हम बात करें, व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इज ए पास इनटू द ब्लू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कॉपर कॉपर सल्फेट अगर अब कॉपर सल्फेट में हम हाइड्रोजन सल्फाइड को क्या करते हैं पास करते हैं, तो आपका जो बनेगा वो कॉपर सल्फाइड बनेगा और स्पेशली जो है H2SO4 बनेगा। तो जो H2SO4 सॉरी जो कॉपर सल्फाइड होगा एक प्रकार के प्रीसिपेट के फॉर्म में होगा, यानी ये सॉलिड के फॉर्म में होगा। तो कहने का मतलब आप ये याद रखिए, जब जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो केमिकल रिएक्शन में स्पेशली जो है प्रिसिपेट भी बन सकते हैं, यानी लिक्विड सॉल्यूशन से कोई सॉलिड सब्सटेंस भी प्राप्त हो सकते हैं। तो ये आपका था फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपेट। अगले पॉइंट को कवर करने का कोशिश करते हैं, चेंज इन टेम्परेचर। ये कमाल की चीजें हैं, ये कमाल के टॉपिक है, आप इसको समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो उसमें स्पेशली एनर्जी जो है या तो हीट के फॉर्म में रिलीज होगी या तो एब्जॉर्ब होगी, दो कंडीशन तो होगा ही होगा। तो यानी इसमें दो तरह का रिएक्शन जब हो जाता है, अगर हम बात करें चेंज इन टेम्परेचर में, तो दो तरह का रिएक्शन हो जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और दूसरा एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो दोनों रिएक्शन को वन बाई वन करके समझने का कोशिश करते हैं। दोज रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट, यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी जो हीट के फॉर्म में रिलीज होती है उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। बस यहाँ पे आप याद रखेंगे कि ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी जो है हीट के फॉर्म में रिलीज होती है उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जैसा कि आपको ऑल बॉन्डिंग रिएक्शन और एक्सोथर्मिक, यानी आप जितने सारे सब्सटेंस को अगर आप जलाते हैं, कंबस्टन जिसे कहा जाता है, तो कंबस्टन रिएक्शन जितने सारे होते हैं सब सभी जो एक प्रकार के एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। जैसे कार्बन को आप स्पेसिफिक जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आप जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और आपका हीट जो है क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे कि इस तरह के रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपका दूसरा एग्जाम्पल है मीथेन और ऑक्सीजन का, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। अगला है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में बस इसमें आप याद रखेंगे कि ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी को जो है ना स्पेशली एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जा सकता है, यानी दोज रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। जिसमें ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। इसमें आपका एग्जाम्पल जो है अगर हम बात करें तो जिसमें फोटोसिंथेटिक रिएक्शन जो आ जाते हैं, फोटोसिंथेटिक इक्वेशन हुआ आपका, यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जो रिएक्शन दिखाया जा रहा है, तो इसमें स्पेशली अगर हम बात करें तो एनर्जी को क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है।
तो इस तरह के जो रिएक्शन होते हैं इसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या समझा कि ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी जो है हीट के फॉर्म में रिलीज होती है उसको हम एक्सोथर्मिक, और जिसमें एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जा सकता है उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको लेक्चर वीडियो समझ में आ रहा होगा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, उसमें हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में हम लोग जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। तो जाते जाते बदल जाओ वक्त के साथ, बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो, बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो, हर हाल में चलना सीखो। जय हिंद।